गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फंक्शंस एंड मैनिपुलेशंस इन एमएस एक्सेल। बेटा, आप लोग एक्सेल पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 6 में, तो आज भी हम एक्सेल ही पढ़ेंगे। आपको पता ही है एक्सेल कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। ये होते हैं कॉलम्स और ये होती हैं रोज़। आपको पता ही है, पहले भी पढ़ चुके हो। जो आपने अभी पढ़ा, अभी तक जो पढ़ा आपने, उसमें अब इस क्लास में आपका थोड़ा सा बड़ा है। आज हम आपको फॉर्मूले यूज़ करना बताएंगे कि किस तरीके से हम एमएस एक्सेल की जो शीट बनाते हैं उसमें किस तरीके के फॉर्मूलेज़ को यूज़ करके हम वर्क कर सकते हैं। चलिए देखिए, आप यहाँ पर एक साइन देख रहे हैं, ऑटो सम। इस पर मैं क्लिक करूँगी तो आप देख रहे हैं पहले सम का ऑप्शन आ रहा है। सम इसके थ्रू आप क्या करोगे बेटा, नाम से ही पता चल रहा है, सम यानी प्लस करना, किसी भी डिजिट्स को प्लस करना। नेक्स्ट है एवरेज। आप किसी भी मैथ्स में पढ़ते होंगे एवरेज निकालते हैं, तो आप यहाँ पर किसी भी डिजिट का एवरेज निकाल सकते हैं। काउंट नंबर्स यानी आप कॉलम और रो में जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम का यहाँ पर मतलब है कि रो और कॉलम में जितने भी छोटे या बड़े, सबसे छोटे या बड़े जितने भी नंबर्स होंगे आप उनको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको अब फॉर्मूला यूज़ करना सिखाऊंगी। सबसे पहले आज हम एडिशन करना सीखेंगे यानी सम करना सीखेंगे। देखिए, मैंने एक यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। इस टेबल को मैंने कैसे तैयार किया मैं पहले वो समझाऊंगी। यहाँ पर मैंने ये ईशान जून एक्सपेंसेस लिखा है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया कि दो सेल को मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं मर्ज एंड सेंटर, इसको कर दिया तो सेल क्या हो गई, मर्ज हो गई और उसके अंदर मैंने ईशान जून एक्सपेंसेस लिख दिया। अब उसके बाद मैंने बॉर्डर बनाया। बॉर्डर कैसे बनाया, आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं ये वाला, देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बॉर्डर्स आपको शो हो रहे हैं, तो आप कोई भी बॉर्डर इस पर ट्राई कर सकते हैं। नाउ मैंने यहाँ पर एक कंपनी ली है ईशान, उसका जून में जितने भी खर्चे हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट है वाटर बिल, सेकंड है गैस बिल, थर्ड है रेंट, फोर्थ है फूड, फाइव है ईएमआई, ठीक है। यहाँ पर उसके एक्सपेंसेस हैं कि वाटर पर 5000, गैस पर 1500, रेंट पर 1500, फूड्स पर उस 700 और ईएमआई उसने 1400 की दी। नाउ अब हमें टोटल करना है, ठीक है। क्या करना है हमें टोटल, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप इन सब सेल को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और डायरेक्ट जो मैंने आपको ऑप्शंस दिखाया था यहाँ पर जाके सम कर दें। तो देखिए ये आप देख रहे हैं, ये सम होकर आ गया। एक तो ये ऑप्शन है हमारा सम करने का। एक जो दूसरा फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं बेटा, वो फॉर्मूला है कि सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे। हमें सम करना है तो क्या लिखेंगे, एस यू एम, सम। नाउ आप शिफ्ट के साथ 9 बटन को दबाएंगे, शिफ्ट प्लस 9, ब्रैकेट बन गया, ब्रैकेट बन गया। उसके बाद आपने सेल को सिलेक्ट करनी है। आपकी सेलेक्ट कौन सी है, सेल कौन सी है, देखो आप यहाँ पर सेल है आपकी 12G12, तो मैं लिख दूँगी G12, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, कॉमा लगा दूँगी, ठीक है, और लास्ट वाली मेरी कौन सी है, G16 लिख दूँगी मैं, G16, और शिफ्ट के साथ 0 बटन प्रेस करके एंटर कर दूंगी। समझ में आ गया।
मैंने क्या किया, मैंने इसमें दो सेल को लिया, एक सेल तो मेरी थी 12 वाली और एक मेरी थी 16 वाली, यानी अगर मैं दो सेल्स को अलग अलग तरीके से प्लस करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से प्लस कर सकती हूँ। एक मेथड और है जिसमें आप इस पूरी सेल को कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है इक्वल, फिर लिखना है सम, फिर शिफ्ट के साथ 9 बटन, फिर जो भी सेल हैं आपकी इनको सिलेक्ट करना है नाओ, फिर शिफ्ट के साथ 0 बटन और एंटर। देखिए प्लस होकर आ गया। इस तरीके से आपने 3 टाइप्स के सम सीखे, 3 के। मैं एक बार रिवाइंड करा देती हूँ कैसे। देखिए फर्स्ट सम हमने कैसे किया था कि हमने इन सारी सेल को सिलेक्ट किया, सारी सेल्स को ऐसे सिलेक्ट किया और डायरेक्ट हम ऑटोमेटिक सम पर सम कर दिया हमने, तो सम हो गया। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि आपने क्या किया, आपने लगाया इक्वल का निशान, फिर लिखा सम, फिर शिफ्ट के साथ 9, फिर आपने पूरी सेल को सिलेक्ट कर लिया, फिर शिफ्ट के साथ 0 और देन एंटर, तो आपका टोटल आ गया। नाओ एक थर्ड आपने जो पढ़ा वो था कि हम यदि किसी भी दो सेल का या 3 सेल का प्लस करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। हम करेंगे इक्वल, हम लिखेंगे सम, ठीक है, उसके बाद शिफ्ट के साथ 9 बटन। अब मुझे मान लीजिए जी सेल की 13 को और 16 को प्लस करना है, तो मैं लिखूँगी जी 13 कॉमा जी 16 और शिफ्ट के साथ 0 बटन एंड एंटर। आ गया टोटल, देख रहे हैं आप लोग, आ गया इसका, ठीक है। इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आपको सम करना सिखाया। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपके पास लैपटॉप हो कंप्यूटर हो घर में प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से समझिएगा। नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एवरेज करना सिखाऊंगी। ओके स्टूडेंट, भी बॉर्डर इस पर ट्राई कर सकते हैं। नाओ मैंने यहाँ पर एक कंपनी ली है ईशान, उसका जून में जितने भी खर्चे हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट है वाटर बिल, सेकंड है गैस बिल, थर्ड है रेंट, फोर्थ है फूड, 5 है ईएमआई, ठीक है। यहाँ पर उसके एक्सपेंसेस हैं कि वाटर पर 5000, गैस पर 1500, रेंट पर 1500, फूड्स पर उस 700 और ईएमआई उसने 1400 की दी। नाउ अब हमें टोटल करना है, ठीक है, क्या करना है हमें टोटल। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप इन सब सेल को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और डायरेक्ट जो मैंने आपको ऑप्शंस दिखाया था यहाँ पर जाके सम कर दें। तो देखिए ये आप देख रहे हैं, ये सम होकर आ गया। एक तो ये ऑप्शन है हमारा सम करने का। एक जो दूसरा फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं बेटा, वो फॉर्मूला है कि सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे। हमें सम करना है तो क्या लिखेंगे, एस यू एम, सम। नाओ आप शिफ्ट के साथ 9 बटन को दबाएंगे, शिफ्ट प्लस 9, ब्रैकेट बन गया, ब्रैकेट बन गया। उसके बाद आपने सेल को सिलेक्ट करनी है, आपकी सिलेक्ट कौन सी है, सेल कौन सी है, देखो आप यहाँ पर सेल है आपकी 12, जी 12, तो मैं लिख दूँगी जी 12, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, कॉमा लगा दूँगी, ठीक है, और लास्ट वाली मेरी कौन सी है, जी 16 लिख दूंगी मैं, जी 16 और शिफ्ट के साथ 0 बटन प्रेस करके एंटर कर दूंगी। समझ में आ गया। मैंने क्या किया, मैंने इसमें दो सेल को लिया, एक सेल तो मेरी थी 12 वाली और एक मेरी थी 16 वाली, यानी अगर मैं दो सेल्स को अलग अलग तरीके से प्लस करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से प्लस कर सकती हूँ।
एक मेथड और है जिसमें आप इस पूरी सेल को कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है इक्वल, फिर लिखना है सम, फिर शिफ्ट के साथ 9 बटन, फिर जो भी सेल हैं आपकी इनको सिलेक्ट करना है नाउ, फिर शिफ्ट के साथ 0 बटन, फिर जो भी सेल हैं आपकी इनको सिलेक्ट करना है नाउ, फिर शिफ्ट के साथ 0 बटन और एंटर। देखिए प्लस होकर आ गया। इस तरीके से आपने 3 टाइप्स के सम सीखे, 3 के। मैं एक बार रिवाइंड करा देती हूँ कैसे। देखिए फर्स्ट सम हमने कैसे किया था कि हमने इन सारी सेल को सिलेक्ट किया, सारी सेल्स को ऐसे सिलेक्ट किया और डायरेक्ट हम ऑटोमेटिक सम पर सम कर दिया हमने, तो सम हो गया। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि आपने क्या किया, आपने लगाया इक्वल का निशान, फिर लिखा सम, फिर शिफ्ट के साथ 9, फिर आपने पूरी सेल को सिलेक्ट कर लिया, फिर शिफ्ट के साथ 0 और देन एंटर, तो आपका टोटल आ गया। नाउ एक थर्ड आपने जो पढ़ा वो था कि हम यदि किसी भी 2 सेल का या 3 सेल का जोड़ चा प्लस करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। हम करेंगे इक्वल, हम लिखेंगे सम, ठीक है, उसके बाद शिफ्ट के साथ 9 बटन। अब मुझे मान लीजिए जी सेल की 13 को और 16 को प्लस करना है, तो मैं लिखूंगी जी 13 कॉमा जी 16 और शिफ्ट के साथ 0 बटन एंड एंटर। आ गया टोटल, देख रहे हैं आप लोग, आ गया इसका, ठीक है। इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आपको सम करना सिखाया। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपके पास लैपटॉप हो कंप्यूटर हो घर में प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से समझिएगा। नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एवरेज करना सिखाऊंगी। ओके स्टूडेंट।